तब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवीर रिटर्न्स के अपकमिंग एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि शो में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है क्रिसमस सेलिब्रेशन। लेकिन इससे पहले होने वाला है खूब सारा ड्रामा, जहां अब आप सभी ने देखा होगा कि आरव और आरोही विवान और सेंटा के पीछे पीछे उन्हीं की ट्रॉली में बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब वो देखते हैं कि आरव और आरोही भी वहां पर हैं, तो यहां पर परियां भी ये डिसाइड करती है कि आरव और आरोही को वापस धरती लोक पर यानी भरतनगर भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बच्चे जिद करते हैं कि नहीं, उन्हें भी विवान और सेंटा के साथ जाना है। तो यहाँ पर सेंटा दे देता है उन दोनों को परमिशन कि ठीक है, आरव और आरोही हमारे साथ ही चलेंगे। तो यहाँ पर आरव, आरोही, विवान और सेंटा निकले हैं एक ट्रिप पर, वो जा रही है नॉर्थ पोल, और ऐसे में ये सभी खूब सारी मस्ती करते हुए आएंगे नजर। लेकिन बता दे कि सेंटा की ट्रॉली जिसमें सभी बैठे हुए हैं ये हो जाएगी क्रैश, जिसके चलते ये बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे। और यहाँ पर आएगा शो में ट्विस्ट, जब यहाँ होगा इनका सामना रे और भयमार से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बीच रास्ते में ही रे और भयमार इन सब के सामने आएंगे, और यहाँ पर रे सेंटा पर वार करता हुआ नजर आएगा, जहाँ वो एक खास यंत्र की मदद से करेगा सेंटा पर वार, जिससे सेंटा की सभी शक्तियाँ चली जाएंगी। ये सब देख कर विवान भी बहुत ज्यादा हैरान होगा। तो अब देखना ये होगा कि सेंटा को इस मुसीबत से विवान कैसे बचाएगा, क्या यहाँ पर विवान की मदद करने के लिए देबू आ जाएगा, या फिर आरव और आरोही ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सेंटा की शक्तियाँ उसे वापस मिल जाए। होगा क्या शो के अपकमिंग एपिसोड्स में देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते रहिए सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।